चलो ठीक है, हम लोग देखो आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर वन, जिसमें हम लोग करेंगे लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ चैन सर्विंग मेथड। तो हम लोग चैन सर्विंग का यूज करते हुए हम लोग लीनियर मेजरमेंट से इस फील्ड का एरिया ज्ञात करेंगे, मतलब हम लोग को इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स लगेंगे एक बार आप लोग समझ लेना। पहला ऑपरेटर्स लगेगा आप लोगों का चैन, जो कि हम लोग मैट्रिक प्रणाली वाली यानी कि मैट्रिक सिस्टम की चैन का प्रयोग करेंगे, जो कि आपकी 30 मीटर की हमारे पास अवेलेबल है, क्लियर। दूसरा हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेंजिंग रॉड, जो रेंजिंग रॉड हम लोग प्रयोग करेंगे वो रेंजिंग रॉड आप लोगों की कितनी होगी, रेंजिंग रॉड की हम लोग हालांकि संख्या लेके आए हैं 10, तो आप 10 से ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 10 लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 4 कॉमन स्टेशन के लिए चाहिए और बाकी का अदर है वो हम लोग को सब स्टेशन के लिए चाहिए, है ना, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है ना, तो इसीलिए। फिर दरअसल रेंजिंग रॉड मैं पहले बता चुका हूँ कि रेंजिंग रॉड यही होती है, क्लियर, जिसकी ये नॉब होती है, नॉब की जो ऊंचाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो एंगल यहाँ से बनता है वो बनता है 30-30, ठीक है, सेंटर से इसकी नॉब बनती है, और उसकी जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई होती है लगभग कितना, 2 से 3 मीटर, क्लियर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 2 से 3 मीटर, ऐसी होती है ऑफसेट रोड। ऑफसेट अच्छा, इसका प्रयोग जो करते हैं ना मेन स्टेशन लगाने के लिए करते हैं, मेन स्टेशन और सब स्टेशन इसी से लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों के पास ऑफसेट रोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी सेम इसी की तरह होती है, बस उसकी हाइट कम होती है, उसकी हाइट होती है 2 से 2.5, ठीक है, यानी कि 1.5 से 2 मीटर उसकी हाइट होती है, क्लियर, यानी कि 1.5 to 2 मीटर, क्लियर, उसकी ऊंचाई होती है। उसके बाद आपका अगला ऑपरेटर्स आता है आपके पास एरो, एक एरो दे दो, एरो कहाँ है, एरो दे दो उधर से, ठीक है, ये आप लोगों का एरो है, क्लियर। एरो को मैंने बताया था, इसका जो ये सर्किल होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर का, यानी कि 50 mm का। उसके बाद जो ये वायर होता है इसका, ये GI वायर होता है, और इस वायर की जो मोटाई होती है वो होती है 5 mm, क्लियर, कितनी होती है 5 mm, हालांकि 4.57 समथिंग होता है, लेकिन हम लोग 5 mm कंसिडर करते हैं, क्योंकि आउटर डायमीटर मेजर करेंगे तो उसमें वो कंसिडर हो जाता है, क्लियर। ये जो हुक यहाँ पे बनाया जाता है, इसको होल्ड करने के लिए बनाया जाता है, और जो इसकी टोटल ऊंचाई होती है वो टोटल ऊंचाई होती है 40 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई होती है टोटल, 40 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, अगर यहाँ से कंसिडर करेंगे तो 35 सेंटीमीटर, मतलब 35 सेंटीमीटर की हाइट होगी। इसका मेन जो काम होता है, इसका मेन वर्क होता है कि जहाँ पे चैन एंड होती है उसके कॉर्नर पे लगाया जाता है, और जहाँ पे एंड बिगनिंग, मतलब जहाँ पे चैन आपकी बिगनिंग मतलब स्टार्ट हो गया, हम लोग मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इसको लगाया जाएगा, क्लियर। तो आप लोग इतना भी ध्यान रखेंगे कि इतना, यानी कि सर्वेयर के हाथ में जितने ये एरो होंगे उतनी बार हम लोग चैन को क्या कर चुके होंगे, मेजर कर चुके होंगे, ठीक है। अगला ऑपरेटर्स दे दो, पेग्स जल्दी दो, पेग्स दे दो, खूटिया दे दो, खूटी, ये देखो बैटरी लो हो गई, ठीक है। अगला ऑपरेटर है हमारे पास पेग्स, पेग्स यानी कि खूटियाँ, ये लकड़ी की बनी होती हैं, क्लियर, सीजनिंग लकड़ी की बनाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये होता है 20 mm × 20 mm यानी कि 2-2 सेंटीमीटर की स्क्वायर होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर, क्लियर, और यहाँ पे टेपर नोब इसलिए बनाई जाती है ताकि ये ज़मीन में क्या हो सके, कच्ची भूमि में धसाई सा मतलब धस जाए। उसके बाद क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, जब कभी कभी हम लोग सर्विंग करते हैं और सर्विंग करते समय कभी कभी जैसे शाम हो जाती है या बारिश हो जाती है, अचानक हमें सर्विंग बंद करनी पड़ती है, तो हमारे जो मेन स्टेशन रहते हैं उन मेन स्टेशन पर हम लोग अपनी पेग्स को मैलेट की सहायता से लगा के चले जाते हैं, फिर अगले दिन वहीं से अपनी सर्विंग को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया, ठीक है, और कोई ऑपरेटर्स, टेप दे दो, रोकने का सिस्टम भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो टेप हमारे पास 30 मीटर का है, ये प्लास्टिक टेप है आपका, क्लियर, और भी आता है, कपड़े में भी आता है, लिनन में भी आता है, लेकिन हम लोगों के पास ये प्लास्टिक टेप है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 30 मीटर। तो कैपेसिटी से मतलब नहीं होता है, हम लोग कैपेसिटी इसलिए ज़्यादा लेते हैं, क्या पता हमारा ऑफसेट दूर हो। हम लोग इसका जो मेन इस्तेमाल करते हैं ऑफसेट लेने के लिए करते हैं। ऑफसेट मतलब होता है कि जब हम लोग किसी लीनियर दूरी पर चलते हैं तो वहाँ से राइट और लेफ्ट की साइड जो चीज़ें होती है परमानेंट, उनको मेज़र करने के लिए हम लोग ऑफसेट का प्रयोग करते हैं। और ऑफसेट हम लोग किससे मेजर करते हैं, ऑफसेट का डिस्टेंस मेजरिंग टेप से, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद उठा दो वो अगला प्लम्बर, उठाओ, अरे साहुल उठा दो, और ये भी उठा लो, हाँ दोनों उठा लो, ठीक है। ये देखो हमारे पास होता है प्लम्बर, क्लियर, प्लम्बर का मैंने बताया था कि प्लम्बर यानी कि साहुल,
इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी कोई वर्टिकल चीज होती है उस वर्टिकल चीज को, मतलब जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो भी हम लोग स्थापित करेंगे उसको वर्टिकली सही रूप से है नहीं है, परपेंडिकुलर है नहीं है, उसको स्थापित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे साउल का। क्लियर, मैंने बताया था लटका के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो रेंजिंग रॉड को हम लोग सीधा लगाने के लिए इसी का प्रयोग करेंगे, वरना रेंजिंग रॉड अगर तिरछी हो जाएगी तो हमें दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब हम लोग उसको सही से आईसाइट उसकी मैच करेंगे तो मैच नहीं होगी। अगर वो तिरछी हो जाएगी तो यानी कि आपकी जो चैन है वो सीधी जाने की बजाय टेढ़ी जाएगी। क्लियर, ऐसे हमारे पास होता है ऑफसेट स्क्वायर। ऑफसेट स्क्वायर ये होता है, ठीक है, ऑफसेट स्क्वायर में क्या होता है कि जब हमें ऑफसेट लेने होते हैं और वो 45 डिग्री पे या परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम लोग यहीं से देख के, यानी कि इन आई वेन से देख के, इनको आई वेन बोलते हैं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट वेन होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट लाइन दिखती है, हम लोग यहाँ से आँख से देखते हैं आई वेन। क्लियर, इसी से देख के हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर 45 डिग्री पे क्या करते हैं, सेट करते हैं। क्लियर हो गया, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया हमारा क्या, ऑप्टिकल स्क्वायर। क्लियर, तो ये आप लोग के इतने ऑपरेटर्स हो गए, और भी ऑपरेटर्स हैं, मैंने बताया था फील्ड बुक, जो कि मैं आप लोगों को पहले बनवा चुका हूँ, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। क्लियर, और एक आपका चैन होता है, चैन में बता चुका हूँ हमारे पास 30 मीटर वाली चैन है, उसमें कुछ करना नहीं है। क्लियर, और एक लिंक की लंबाई उसमें कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 मीटर की चैन है तो लिंक की टोटल लिंक की संख्या कितनी होगी, 150, बताए थे नहीं बताए थे, और 20 वाली में कितनी हो जाएगी, 100। क्लियर, तो ये सिंपल आप लोगों का चैन सर्वेइंग का सिंपल ऑपरेटर्स जो हैं उनका मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है कि सिंपल ऑपरेटर्स में क्या क्या कैसे कैसे होगा। क्लियर है, अब हम लोग चालू करेंगे मेजरमेंट करना कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फील्ड है हम उस पर अपने स्टेशन स्थापित करेंगे। क्लियर, तो हम स्टेशन स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हमने चारों तरफ अपने, मतलब जो भी स्टेशन है, हमने सारे के सारे स्टेशन स्थापित कर लिए हैं। हमने चार स्टेशन बना लिए हैं, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी और स्टेशन डी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लो कि हमारे खेत का कॉर्नर था जहाँ पे हमने रेंजिंग रॉड लगाई, और यहाँ से इधर और यहाँ से इधर किसी दूसरे की ज़मीन है, और इससे इधर बाकी का क्या है, हमारा है। और हमको क्या करना है, इसको वर्टिकल हमको स्थापित करना है। तो वर्टिकल हमने गाड़ तो दिया, अब हमको इसको सेंट्राइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास साहुल है, तो हम लोग साहुल से क्या करेंगे, इसको सेटअप करेंगे। हम लोग देख लेंगे क्या ये सेट है। अब देखो साहुल का जो ये, अब देखो यहाँ पे समझ लो, ये जो यहाँ पे किनारा होता है यहाँ पे, ये यानी कि जहाँ पे मैंने इसको सेट कर रखा है, इससे इधर का जो एरिया होता है ना, ये वाला, यानी कि ये जो एरिया होता है, ये वाला ये एरिया, इसका जो डायमीटर होता है देखो, ये इसके जस्ट बराबर होता है, समझ लो ना मेरी बात। तो यानी कि इसका, सॉरी, रेडियस, तो इसके रेडियस के बराबर तो इतना होता है। अब देखो जैसे ही मैं इसको इस पर सटाता हूँ, तो आप लोग जरा गौर से देखिएगा ये चीज़, तो आप लोग देख रहे होंगे इस पर टच कर रहा होगा, तो आप इसको सीधा करिए, ठीक है। देखो ये टच तो करना चाहिए, लेकिन स्पर्श करते हुए, एकदम उसके ऊपर टिकना नहीं चाहिए। तो देखो अभी ये टच कर रहा है लेकिन मूव कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये रेंजिंग रॉड यहाँ पे रुकेगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप जब रेंजिंग रॉड स्थापित करते हो, हालांकि ये रेंजिंग रॉड थोड़ी तिरछी है, थोड़ी टेढ़ी है, तो उसमें आपको मेन स्टेशन पे हमेशा सीधी रेंजिंग रॉड लगानी चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने जो लगाई। तो हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे क्या है, 10% बैटरी हो गई। देखो हमारा मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे, हमारा मेन उद्देश्य बस ये है कि यहाँ से हमने जो स्थापित किया है वो यहाँ से क्या है, वर्टिकल स्थापित है, तो हमको यही चेक करना है। अगर ये वर्टिकल स्थापित है, यानी कि कंफर्म है कि हमारी रेंजिंग रॉड जो है वो एकदम सीधी खड़ी है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो चारों स्टेशन पे जो रेंजिंग रॉड है उनको जाके ऐसे चेक करेंगे। तो इसका मतलब हमारी चारों जो रेंजिंग रॉड है एकदम सीधी हो जाएगी, और जब वो चारों रेंजिंग रॉड एकदम सीधी हो जाएगी, मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके थ्रू जो भी काम करेंगे वो भी क्या आएगा, एकदम सीधा। क्लियर, तो अब इसके थ्रू, उसके थ्रू, मतलब चारों रेंजिंग रॉड के थ्रू हम जो भी काम करेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं रेंजिंग रॉड के थ्रू, मेन स्टेशन के थ्रू काम करना है, तो जो भी हमें काम करना होगा वो सब क्या आएगा, एकदम सीधा आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब स्टेशन लगाएंगे। सब स्टेशन लगाने के लिए क्या करते हैं, सब स्टेशन लगाने के लिए ये करेंगे कि हम स्टेशन ए और स्टेशन बी के मिड में एक रेंजिंग रॉड लगाएंगे, और जो रेंजिंग रॉड लगाएंगे वो लगभग मिड में होनी चाहिए, लगभग, पूरा एकदम नाप के नहीं, लगभग मिड, जहां हमको लगता है कि हाँ यहाँ मिड है, आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ हमको लगता है मिड है, और फिर हम लोग यहीं से इसको देखेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग में देखेंगे। डायरेक्ट रेंजिंग में हम लोग क्या करेंगे, आँख का कोई एक, किसी एक आई को क्या करेंगे, बंद करेंगे, किसी एक आई से क्या करेंगे, तीनों रेंजिंग रॉड को, इधर और आखिरी वाली, मतलब
पहली और लास्ट वाली के बीच में जो तीसरी रेंजिंग रॉड लग रही है वो भी इसी में क्या होनी चाहिए, मिक्स हो जानी चाहिए, ना तो वो दाएं होनी चाहिए और ना ही बाएं। अच्छा ये दूर है तो कैसे दिखेगी? जैसे कि मैंने बोला इतनी दूर हो गई, अगर मान लो और भी दूर होती, मान लो और भी दूर होती, ठीक है, तो अगर और दूर हो जाती तो इसकी एक अप्रोच होती है, जब ये दिखना बंद हो जाएगी तो समझ लो उस समय हमारे पास एरर आ जाएगा, और जब एरर आ जाएगा उस समय हम फील्ड को दो भागों में बांटेंगे, अलग अलग करेंगे, हम अपने ही खेत को दो भागों में बांट लेंगे, क्लियर, क्योंकि हमारी अप्रोच से क्या जा रहा है बाहर, लेकिन जब हमारी अप्रोच में है तो इसलिए हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग इधर से कैसे पता चला कि सीधे में है, मतलब एकदम एग्जैक्ट? हाँ एकदम, हमें कैसे पता था सीध में है ये? तो हमने सीध में तो लगाई नहीं है ना, हमने कहाँ लगाई, अपने खेत के चारों किनारे पे, तो कोई जरूरी है हमारा खेत सीधा हो? हमारा खेत टेढ़ा भी तो हो सकता है, तो हमारा काम है यहाँ पर अपने फील्ड को मेजर करना, बस ये चीज है कि ये जो यहाँ से वहां तक की दूरी हमें सीधी चाहिए, बस हमारा मेन मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा ये नहीं कि हमारा खेत का आकार कैसा है या ये दोनों टेढ़ी लगी या सीधी लगी, हमारा मेन मुद्दा ये कि इनके इनके बीच की दूरी हमें क्या चाहिए एकदम सीधी, क्योंकि अगर हल्का भी डिफ्लेक्ट हुए तो एरर आ जाएगा, जैसे एक तो हम सीधा जा रहे हैं और एक घूम के जा रहे हैं, तो घूम के जाने में रेडियस आ जाएगा और रेडियस आएगा तो तुरंत क्या आ जाएगा एरर, क्लियर, तो हमको सीधा डिस्टेंस चाहिए ना, तो हम सीधा डिस्टेंस लेने के लिए यही करेंगे जो मैंने बोला। हमारी खेत पे जैसे ऐसे ऐसे करके मतलब उल्टा नीचे ऊपर नीचे, हाँ हाँ, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे कर दिया तो फिर तो दिक्कत आएगी उसमें, मान लो कि आपका खेत ऐसे ऐसे है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, तो फिर उसको छोटे छोटे पार्टों में बांटना पड़ेगा, उसको भी डिवाइडेशन, हाँ उसका भी डिवाइडेशन करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्टों में, तो उसमें दिक्कत आएगी। एक और बात बताइए, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, देखो हम लोगों ने ये कर लिया है कि हमारे पास एक पहला स्टेशन है, स्टेशन है, और हमारे पास एक अंतिम में स्टेशन है, स्टेशन भी जो कि बहुत दूर है, आप लोगों को भी मतलब वीडियो में दिखाई नहीं देगा, तो हम लोग करेंगे क्या, मैंने एक मिड में एक जो अपना सर्वेयर है उसको हमने भेजा है, तो अब हम क्या करेंगे कि उससे उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे और अब बीच में रेंजिंग रॉड को स्थापित करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है, तो डायरेक्ट रेंजिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ से स्टेशन ऐसे स्टेशन भी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसके लिए कुछ सर्वेइंग के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या सर्वेइंग के जो साइन होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, क्लियर, जो सर्वेयर होता है जो फॉलोअर होता है, तो यहाँ मैं एज ए सर्वेयर काम करूंगा और वहाँ पे वो एज ए फॉलोअर काम करेगा, मतलब वो मेरे जो इंस्ट्रक्शन होंगे उनको क्या करेगा, फॉलो करेगा, क्लियर, तो ठीक है ध्यान देंगे। मैं किस तरह से करूंगा, हम लोग इस प्रोसेस को करते समय जब हम लोग देखेंगे तो एक किसी आई का प्रयोग करेंगे और एक को हम लोग हाथ से क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए मैं भी सेटअप कराता हूँ, तो आप लोगों को देखना है कि मैं सेटअप कैसे कराता हूँ। साइड में हो जाओ, अपने साइड में, हाँ बस, लगा के ऊपर से करो, ऊपर से हेड इधर करो और इधर करो हेड, ऊपर से करो इधर और इधर और इधर, रेंजिंग रॉड को इधर करो, हाँ और इधर और बस छोड़ दो, छोड़ो, लगा दो, लगाएगा पीछे हो जाएगा सर, जमीन दलदली हथौड़े वाले कराते हैं ऊपर कैसे पाएगा यार, गाड़ दो वहीं पे, तो ऊपर से करो, ऊपर से, ऊपर से और बस छोड़ो, थोड़ा सा ऊपर से करो इधर, वो टेढ़ा है बस, बस बस हट जाओ, ठीक है।
तो ये रेंजिंग हो गई है, आप लोग एक एक आके देख लीजिए, ठीक है, कि एक लाइन में सब है या नहीं है। रेंजिंग सेट हो चुकी है, तो इस तरह से हम लोग रेंजिंग करेंगे।